अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। सुबह के सारे रंग हमारे संग। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैंने आपको लास्ट वीक बहुत मिस किया। लास्ट वीक मेरी जगह सुमेरा प्रोग्राम कर रही थी और स्पेशल थैंक्स टू हर बिकॉज शी वाज हेयर ऑन द सेट एंड यू नो परफॉर्मिंग माय ड्यूटीज़, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो आई वाज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट उसका सफ़र हम बाद में बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या देखा, क्या किया, और ये छोटी सी ब्रेक जो थी ये कितनी इम्पोर्टेंट थी, और इस ब्रेक के पीछे क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी एक सरप्राइज़ है छोटा सा, उसको रिवील करेंगे। और अभी सीधा मैं एयरपोर्ट से आ रही हूँ बिकॉज़ मैंने अपने प्यारे प्यारी सी जो मेरी ऑडियंस है उनसे मिलना था और एक नए वीक का आगाज़ करना था। तो आज जो हमारा वीक है वो स्पेशल बच्चों के समर कैम्प पे हमने रखा है कि बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो हो गई हैं और स्कूल से जो है बच्चे फ्री हो गए हैं। और ये 3 महीने की जो छुट्टियां होती हैं ये पेरेंट्स के लिए एक वबाले, वो कहते हैं ना, वबाले जान बन जाती हैं। घर में हर वक्त हमें शोर शराबा, लड़ाई झगड़े बहन भाइयों में सुनने को मिल रहे होते हैं। तो पेरेंट्स इन सब से बचने के लिए, या अब जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत इश्यूज़ होते हैं कि बच्चों को सारा दिन घर पे वो क्यों रखें, और वो जो एक रूटीन होती है स्कूल की वो बिल्कुल हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। और स्कूल वाले जो हैं वो होमवर्क्स इतने इतने मोटे मोटे दत्थे पकड़ा देते हैं माँ बाप को कि भाई आपने करवाने हैं, और आगे पेरेंट्स का काम शुरू हो जाता है। मगर उसका बेहतरीन हल ये है कि समर कैंप्स, अपने बच्चों को समर कैंप्स में आप लोग इनरोल कराएं। और समर कैंप्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं? समर कैंप्स में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि मेंटल और फिज़िकल नरिशमेंट भी होती है। वहाँ डिफरेंट, आप अगर आप ताइक्वांडो की बात करें, अगर आप फ़ुटबॉल की बात करें, अगर आप हैंड राइटिंग स्किल्स की बात करें, आप कॉम्प्रहेंशंस की बात करें, मेंटल मैथ्स की बात करें, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो वहाँ बच्चों को मिलती हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों के साथ मिल के जो बॉन्ड बनाते हैं, कितना ज़रूरी होता है सोशल गैदरिंग, कितना ज़रूरी होता है सोशलाइजिंग। और इस तरह जब आपस में बच्चे घुलते मिलते हैं तो एक डिफरेंट ही उनको एस्पेक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से मिलने का मौका मिलता है। तो ये भी बच्चों की मेंटल कैपेसिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो समर कैंप्स में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी आ गया हुआ है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, कहीं बैलरीना क्लासेस हो रही हैं बच्चों के लिए, कहीं फिटनेस जो हैं वो पूरे पूरे कहते हैं कि ग्राउंड्स में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कहीं बच्चों की, अगर कोई बच्चे पढ़ाई में वीक हैं तो उनकी हैंड राइटिंग्स को बेहतर किया जा रहा है, उनके मेंटल मैथ्स को बेहतर किया जा रहा है, उनके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर किया जा रहा है। और समर कैंप में एक प्रॉपर 5 घंटे का एक छोटा सा जो स्कूल है वो हमें मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों को समर कैंप्स में इनरोल कराएं। और दूसरी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी वहाँ देखने को मिल रही हैं। और आज हम चाहते हैं कि हम अपने शो में उन सब हमारे गेस्ट्स को इनवाइट करें जो एजुकेशनिस्ट भी हैं, जो समर कैंप्स का हिस्सा भी रहे हुए हैं, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो अब समर कैंप्स में इनरोल भी होंगे। तो उनसे पूछेंगे कि उनको क्या इश्यूज़ हैं, वो समर कैंप में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, कि घर में बैठ के अपने पेरेंट्स के सर पे, कहते हैं ना कि वही सुबह सुबह मामा 8 बजे नाश्ता दे दें, 2 बजे खाना दे दें, और फिर रात का खाना खा के बीच में बहन भाइयों ने लड़ना है या ग्राउंड में जाना है। तो एक जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए समर कैंप ज़रूरी हैं। और इसके अलावा वेकेशंस में अलग अलग प्लान्स होते हैं। कुछ बच्चे नानी के घर जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो हम छोटे छोटे बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूछेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। समर कैंप्स बहुत ज़रूरी हैं। समर कैंप्स स्कूल का एक छोटा फॉर्मेट है जो कि घर में फॉलो किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन वाइज भी इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएं, और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें नज़र आ सकती हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं हम एक फ्री टाइम में देख सकते हैं कि बच्चे हमारे किस पोर्शन में वीक हैं या हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है। या हमारे बच्चों को मेंटली यू नो कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है या फिज़िकल इन्हांसमेंट की ज़रूरत है या फिज़िकल कैपेसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम फ्री टाइम में ये चीज़ें जान सकते हैं, ये चीज़ें बता सकते हैं और इन चीज़ों के बारे में कंसल्टेंसी कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो बच्चे तीन महीने बैठ के टीवी देखते हैं और सिर्फ खाते हैं और एंड में वो ओबीस होकर स्कूल जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बाद में अगर एक बच्चा मोटा हो जाता है तो उसको वापस अपने फिगर में आने में या अपनी वो यू नो वो एक लाइफस्टाइल में आने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है। तो आज हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कैसे समर वेकेशंस में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, कैसे रूटीन फॉलो करनी चाहिए और समर कैम्प्स का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में वो कहाँ से आया और हम बीइंग यू नो पाकिस्तान में जो है समर कैम्प्स में क्या क्या हो रहा है, कौन से जो स्कूल्स हैं वो प्रपोज़ करें समर कैम्प्स, कौन सी जगह पे समर कैम्प्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, क्या समर कैम्प्स में बच्चों को डालना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरा टूर था लंदन का वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैं अपना यू नो ब्रांड शोकेस कर रही थी वहाँ पाकिस्तान राइजिंग सन ऑफ पाकिस्तान में। तो इट वॉज़ एन अमेजिंग टूर और शोकेसिंग ब्रांड अब्रॉड वॉज सच ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज वहाँ जो पाकिस्तानी होते हैं ना उनको नहीं पता होता कि बैक होम क्या हो रहा है, क्या स्टाइल चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जब जाके एग्जिबिशंस होती हैं, जब अंडर वन रूफ सेलिब्रिटीज़ मीट एंड ग्रीट सेशन होता है, तो इस तरह वो एक्नॉलेज कर सकते हैं पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ को और पाकिस्तान के कहते हैं ना कि वो उनसियत उनको मिलती है कि पाकिस्तान से जो कुर्बत होती है वो देख सकते हैं कि जो लोग उन्हीं के लोग जो वो टीवी पे देख रहे होते हैं उनके सामने लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट ऑरा होता है। मैं लास्ट वीक ट्यूसडे को मैंने ट्रैवल किया था और संडे को मैं वापस आई हूँ, मतलब कि संडे को मैंने ट्रैवल करके मंडे मॉर्निंग लाइक अभी मैं एक घंटा पहले मैंने लैंड किया है। और मैं लिटरली इट्स नॉट अ जोक बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क रनिंग ऑन द एयरपोर्ट्स एंड यू नो चेजिंग अ फ्लाइट एंड नॉट मिसिंग द फ्लाइट फॉर दिस, बिकॉज आई वांटेड टू बी विद यू गाइज। और जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको बहुत मिस कर रही थी, पता नहीं उन्होंने मुझे मिस किया कि नहीं किया, बट मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। और वो जो सुबह उनसे मिलने का जो एक मौका मिलता है, जो बात करने का मौका मिलता है, वो भी मैं मिस कर रही थी। और हम अपनी स्क्रीन पर लाइव कॉल्स का नंबर जो है चला रहे हैं, आप हमें रोज़ जिस तरह पहले लाइव कॉल्स करते थे वैसे ही लाइव कॉल्स करें। मैं सुनना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को और अपनी प्यारी बहनों को कि उन्होंने मुझे कितना मिस किया और उन्होंने शो में क्या मिस किया, तो हमें ज़रूर लाइव कॉल करिएगा। और इसके अलावा व्यूअर्स, आज का शो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे सामने भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैं बुलाना चाह रही हूँ जल्दी और उनसे बहुत मज़ेदार किस्म की बातें करना चाह रही हूँ। तो आज हम समर कैम्प का अपने शो पे टॉपिक का आगाज़ करेंगे और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में और बहुत ज़्यादा हम कंसल्टेंसी लेंगे डिफरेंट यू नो लोगों से, गेस्ट से और एक्सपर्ट से कि वो क्या कहते हैं कि समर कैम्प जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। और बाय द एंड ऑफ द डे यू नो वी ऑल आर वर्किंग फॉर आवर किड्स, उनकी नरिशमेंट, उनकी फ़िज़िकल और मेंटल नरिशमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं, हमें कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है, अक्सर हमें गाइडेंस नहीं मिलती। तो उस गाइडेंस के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चों की एज लिमिट्स है फ्रॉम 3 to 5, 5 to 7, 7 to 12, 12 to 14, तो वो किस किस एरियाज़ में यू नो फॉल करते हैं, उनको किन किन एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि आज जो हमारे साथ गेस्ट लिस्ट है, चलो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे साथ अली अब्बास साहब होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, like you know he doesn't know any you know he doesn't need any more introduction, educationist हैं। सीमा लालेका साहिबा हैं, she's an educationist, और सीमी लालेका साहिबा हैं, educationist हैं और स्कूल में पढ़ाती भी हैं। रियाज़ रहमान साहब हैं, समर कैम्प ट्रेनर हैं और उनसे तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की बातें होंगी। सैयद एजाज़ बुखारी साहब हैं, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कोच भी हैं, कंसल्टेंसी भी करते हैं। इसके बाद हमा बिनते शहजाद साहिबा हैं, हेड ऑफ़ एकेडमिक्स हैं, वो भी एजुकेशनिस्ट हैं इन अ वेरी रिनाउंड स्कूल। और हम आपको आज ये बताएंगे कि बच्चे जो हैं आप लोगों के वो अपनी 3 महीने की छुट्टियों में क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या स्किल डेवलप कर सकते हैं, किस तरह आगे बेहतर अपनी क्लासेस में वो फॉल कर सकते हैं, उनके जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो किस तरह पेरेंट्स जो हैं वो ओवरकम कर सकते हैं। तो आज एक और मज़े की बात यह है कि बच्चों से अक्सर लोग तंग आ जाते हैं, मैं ख़ुद तंग आ जाती हूँ कि भाई इनके 3 महीने की छुट्टियाँ कैसे गुजरेंगी, कैसे जल्दी जल्दी छुट्टियाँ गुजरें। तो दे विल बी बैक टू द रूटीन बिकॉज 8 से 3 बजे तक वो स्कूल रहते हैं, उसके बाद आके उनकी जो रूटीन होती है दे गो टू द बेड अराउंड 8। मगर अब जो है वो 8 बजे उठ जाते हैं, पूरा दिन हमारे साथ होते हैं। मगर आप लोगों ने तंग नहीं आना क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो तंग आने का जो बेहतरीन हल निकाला है वो है समर कैम्प्स। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे मज़ीद बताएंगे आपको कि आप लोगों के बच्चे समर कैम्प्स में कैसे इनरोल होंगे और क्या क्या वहाँ करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। समर कैम्प की बात हो रही थी, बच्चों की बात हो रही थी, बच्चों की नरिशमेंट की बात हो रही थी। हमने सोचा क्यों ना हम प्यारे प्यारे बच्चे अपने सेट पे ही आज ले आए, उनसे पूछें कि वो घर में आजकल क्या कर रहे हैं। तो पूछते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं घर में। अस्सलाम वालेकुम। मैं घर में अपने, पहले नाम बताओ। मलिहा बतूल। मलिहा क्या कर रही हो आजकल? घर में खेलते हैं, खाना खाते हैं। हो गई है? हाँ जी। तो अभी तो मुझे बता रही थी कि मेरी लड़ाइयाँ हो रही हैं। किससे हो रही थी? ज़्यादातर नहीं होती, ज़्यादातर नहीं हो रही लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है। हाँ जी, अच्छा थोड़ी थोड़ी होती हैं। अच्छा मैं इनसे पूछती हूँ, आपका क्या नाम है? अमान। अमान, अमान क्या हो रहा है आजकल घर पे? ठीक है। ठीक है, क्या ठीक है? कहाँ पढ़ती हो? केजी में। कौन से स्कूल में? स्कूल में पढ़ती हो। अच्छा क्या नाम है आपका? आबिश। आबिश, आबिश कहाँ पढ़ती हो? फ़ज़ाया में। फ़ज़ाया में पढ़ती हो। छुट्टियाँ हो गई? यस। कौन सी क्लास में? 2। क्लास 2 में हो। तो आजकल समर वेकेशन की क्या प्लान है, कहाँ जाना है? कुछ? नानी घर। नानी घर। और कब जाना है नानी घर? नानी घर अभी कल होके आए हैं। कल होकर आए हैं। तो रहने नहीं जाना? जाना। जाना है ना। अब अच्छा, आपके साथ आपकी बहन है? yes, अनीबा अख्तर। अनीबा, आप दोनों सिस्टर्स। आप दोनों कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं, ट्विनिंग की हुई आज तो। yes. अच्छा ट्विन सिस्टर्स हो। कौन सी क्लास में हो? 5। क्लास 5 में हो। आप भी फ़ज़ाया में पढ़ती हो? yes. अच्छा आप क्या प्लान्स हैं? समर वेकेशंस में हम बाहर घूमने जाएंगे, आउट ऑफ सिटी भी जाएंगे। कहाँ? जैसे आउट ऑफ सिटी जैसे मरी वगैरह। अच्छा जाना है नॉर्दर्न एरियाज में। बाबा के साथ या मामा के साथ प्लान किया है? शायद। अच्छा शायद, ये तो मामा बताएंगी कि कहाँ जाना है। तो आजकल क्या हो रहा है? दोनों ये कजन्स हैं आपके? यस। वो लग रहा था आप लोगों की बातों से। अच्छा तो कौन लड़ता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कौन लड़ता है? पता नहीं। अच्छा तो आजकल घर में क्या खेल क्या रहे हो? हम टेंट बनाते हैं, फिर टेंट करते हैं कि हम कैंपिंग कर रहे हैं। अच्छा और हम हाइड एंड सीक खेलते हैं और अपने आप से भी गेम्स बना के खेल लेते हैं। अच्छा लगे। और तंग भी करते होगे सबको? करते हो ना, थोड़ा थोड़ा तंग करते हो ना? हाँ करते हो। चलो आप लोग सारे उधर बैठो। और हमारा जो खूबसूरत सा लाउंज है वो बन चुका हुआ है और बन गया है। तो रईसुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब। सर वेलकम टू द शो। और उसके साथ सीमी लालेका हमारे साथ है, शी इज एजुकेशनिस्ट फ्रॉम सिटी स्कूल। जी वेलकम। तो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच और प्लेजर टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। और यहाँ प्यारी प्यारी 2 मदर्स बैठी हुई हैं, तो मैं इनसे भी अभी बात करती हूँ। और आपका क्या नाम है? फौजिया। और आपका? मैं विशली जी। और उनके साथ हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है हुमा बिनते शहजाद ने, शी इज एजुकेशनिस्ट टू। ठीक है, वेलकम टू द शो मैम। अच्छा तो आज हम बात सर से करना चाह रहे हैं। सर आप लोग स्पोर्ट्स के ऊपर, आई यू बीन वर्किंग अलॉट और आप समर कैंप ट्रेनिंग्स कराते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, जिसमें ताइक्वांडो, टेनिस और फुटबॉल और काफ़ी एक्टिविटीज़ आपने मुझे बताई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों की नरिशमेंट के लिए समर कैंप्स कितने ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जिस तरह बच्चों को खाना पीना और पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5 साल से 17 साल के बच्चों को कम से कम 1 घंटा हेल्दी एक्टिविटीज़ में मशगूल रहना चाहिए अगर आप उनकी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इस बार तकरीबन कोई 14 मुख्तलिफ गेमों की जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनके समर कैंप लगाए हैं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए समर कैंप लगे। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ टुगेदर इकट्ठे समर कैंप में? जी, 5 साल से 17 साल के जितने भी बच्चे और बच्चियाँ सब। पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने अपने बच्चों को बहुत खूबसूरत इंसान और ख़ास तौर पे बेहतरीन पाकिस्तानी बनाना है। बहुत अच्छी बात की है। और अक्सर आपने देखा कि बच्चों के मूड स्विंग्स हैं, मूड ऑफ हैं, अक्सर बच्चे फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है उनके कि दे वांट टू गेट आउट द हाउस बट कोई जगह नहीं मिलती जाने के लिए कि कहाँ जाएँ, पार्क्स के अलावा भी कोई ऐसी जहाँ फ़िज़िकल या मेंटल ट्रेनिंग हो। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि हाउ यू वांट टू एजुकेट द पेरेंट? जी, मैंने अभी जो बात की है ना कि पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी चाहिए। एजुकेशन तो उनके पास है लेकिन स्पोर्ट्स की अवेयरनेस देनी चाहिए कि स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। अभी आप इंटरव्यू कर रही थी तो बच्चियों ने प्लान किया हुआ है या बच्चों ने प्लान किया हमने नानी के घर जाना है, हमने फूफो के घर जाना है। बच्चों के प्लान में शामिल ही नहीं है कि हमने खेलना है। हमने उनको इतना पैम्पर कर दिया है कि हम बच्चे खुद भी नहीं चाहते कि हम मोबाइल, टीवी या दूसरी चीज़ों से बाहर निकल सकें। और समर कैंप की अहमियत ऑक्सीजन की है बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस वक्त बहुत अच्छे लिया है कि बच्चों को समर कैंप दिए जाएं। बिल्कुल, और इट्स अ वेरी मिनिमल चार्जेस, बहुत मिनिमल चार्जेस के साथ ही समर कैंप हैं। जैसा कि क्या चार्जेस होंगे, जो ऑडियंस, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो कैसे इनरोल हो सकते हैं? जो हमारा गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स कैंप्स लग रहे हैं उसमें तो बच्चे आएँ, 5 साल से 17 साल के बच्चे और बच्चियाँ आके वहाँ पे अपनी मेंबरशिप करवाएं। और हमारे पास सारी गेमों के तकरीबन 14 जो स्पोर्ट्स हैं उनके पास हमारे पास एक्सपर्ट कोच हैं, ठीक है, तो उनकी ज़ेरे निगरानी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और मैं अगर इंटरनेशनल प्लेयर बनाऊँ तो हमारे स्कूल में अगर समर कैंप ना लगता तो शायद आज मैं भी किसी लैपटॉप पे या दूसरी जगह पे बैठा काम कर रहा होता, पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर ना होता। अच्छा सर, बिल्कुल ऐसा ही है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सर जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ आप तक रीच आउट कर सकते हैं? वो जगह बता दें और टाइमिंग्स बता दें जिस तरह वो इनरोल कर सकें। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स जो है, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में भी आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी, काज़ी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और पंजाब स्टेडियम का जितना भी एरिया इसको निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, ठीक है, वहाँ पे बच्चों और बच्चियों के कैंप लग रहे हैं। फुटबॉल की हमारे पास बहुत अच्छी ग्राउंड है, ताइक्वांडो क्योंकि मैं खुद करवा रहा हूँ हमारे पास जिम्नेजियम है, टेबल टेनिस हो रही है, कराटे हो रही है, हॉकी हो रही है, क्रिकेट हो रही है। हमने अभी हाल ही में जो हमारे एडवाइज़र टू CM है वहाब रियाज साहब, उनकी अंडर सुपरविज़न क्रिकेट की अकेडमी बनाई है और अभी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है उसमें। ठीक है, तो आपसे वो रीच आउट करने के लिए इन 2 जगहों पे आ सकते हैं, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और निश्तर पार्क जो है, निश्तर कॉम्प्लेक्स पे। और सर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं इनरोल कराने के लिए? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट, कि वो 5 to 17 ईयर का है। ठीक है। और उसके अलावा जो मिनिमम चार्जेज हैं शायद 1000 या 2000 2 मंथ के हैं। अच्छा, 1000 या 2000 2 मंथ के, वो बच्चे आके वहाँ पे इनरोल करवा सकते हैं। और टाइमिंग कब है समर कैंप के? समर कैंप के मॉर्निंग में भी हैं और इवनिंग में भी हैं। मॉर्निंग 9 to 12 है और इवनिंग में 3 to 7 o'clock। ओके, और सर अगर बच्चों को कुछ खाना पीना हो तो क्या वो अलाउड है लेके आने के लिए? जी बिल्कुल, जिन बच्चों ने 2-3 घंटे खेलना है उनको उनकी मर्जी की खुराक भी चाहिए और वो बच्चे अपनी अपनी चीज़ें लाते हैं, वहाँ पे खाते भी हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। ठीक है सर, इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो जाएं इनरोल कराएं, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी होना चाहिए, बिकॉज ये एक 2-वे प्रोसेस है, इट्स नॉट अ 1-वे प्रोसेस। सीमी लालेका साहिबा, यू बीन टू एजुकेशन सेक्टर सिंस वेरी लॉन्ग और बच्चों की नरिशमेंट, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक एवरी यू नो, जो भी स्ट्रेटा की हम बात करें तो आप क्या समझती हैं कि समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट आया है काफ़ी, हम देख रहे हैं 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है, डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, हाउ इट कैन एजुकेट एंड यू नो इट कैन अपब्रिंग द चाइल्ड? देखिए जो है ना, बैलेंस्ड एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और मेरे ख्याल से चाहे जैसे स्कूल जब ऑन होता है तब भी एक टाइम टेबल आपको पता है कि चलता है, तो इसी तरह जब छुट्टियां हो जाएं, समर वेकेशंस हो या विंटर वेकेशंस हो, उसमें भी एक टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें यह है कि मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उनकी भी चॉइसेस हों और वो मिलकर एक टाइम टेबल सा बना लें, क्योंकि दिन को कैसे डिवाइड करना है उसमें ज़ाहिर है कि कुछ स्क्रीन टाइम भी होगा मगर वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आप मैक्सिमम 1 आवर कर लें कि जिसमें उन्होंने टेलीविज़न देखना है या उन्होंने कोई मोबाइल से करना है, क्योंकि इसको एक लिमिटेड होना चाहिए। बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरह उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी मस्ट है, फिर उसमें कुछ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बींग्स, कोई इन्वायरमेंट के लिए काम करना, कुछ पड़ोसियों का या जी काम, इस तरह के कुछ काम भी इसी एज में अगर हम उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस दे दें, एनवायरनमेंट के बारे में देखना, अपने पड़ोसियों में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्लांट्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें वो भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, फिर घर में भी कुछ अम्मी की हेल्प करना या बड़ों की हेल्प करना, क्योंकि ये वाली आदतें भी अगर बचपन से डल जाती हैं ना, ये जिसको जी है, जिसको थोड़ा बहुत किचन में हेल्प करने की, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, अब ये नहीं है कि ये जेंडर रोल नहीं है, आपको पता है कि ये नहीं है कि जी किचन जो वो सारे काम है वो लड़कियों ने नहीं करने हैं, इट्स ये सर्वाइवल के लिए एक स्किल है और हर किसी को आनी चाहिए। तो इसमें लड़के भी, अभी मैं देखती हूँ हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अम्मी की और अब्बू की भी घर में हेल्प कर रहे होते हैं और करना भी चाहिए। अच्छा, अगर वो वाली बात है कि वो हेल्प भी करते तो कहते हैं मम्मी डैडी ना बन जाओ, हर वक्त मॉम्स बॉय ना बन जाओ, ये भी एक बड़ा ऐसा नोशन हम देख रहे हैं और ये बड़ा, ये जो सेंटेंस है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया हुआ है। घर में बहुत से काम होते हैं ना, जैसे गाड़ी अब साफ करनी है, अब छुट्टियां हैं, बच्चों के पास टाइम है, तो वो घर में कार वॉशिंग में हेल्प कर सकते हैं, लॉन मोइंग में हेल्प कर सकते हैं, कुछ और वीड्स हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी में स्पोर्ट्स तो हैं ही हैं मगर इसके अलावा भी बहुत सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें गार्डन का ख्याल रखना है, जिसमें बाकी हेल्प करना है। तो ये बस एक टाइम टेबल लाइफ है और आपको एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, मैं तो ये कहूँगी। सो अभी प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, मदर्स भी हमारे साथ हैं और मज़ीद एक्सपर्ट्स एजुकेशनिस्ट भी हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद बातें करेंगे और कंसल्टेंसी लेंगे कि आपने अपने बच्चों को किस तरह समर कैंप्स में इनरोल कराना है और क्या सिखाना है, क्योंकि जो 3 महीने वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव रहें। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा एक बहुत सा खूबसूरत सा धनक का जो लाउंज है वो बना हुआ है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे मेहमान हैं और उनसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं और हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो समर कैंप्स और बच्चों की नरिशमेंट, मेंटल एंड फिज़िकल नरिशमेंट कितनी ज़रूरी है और समर कैंप्स के बेनिफिट्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रियाज़ रहमान साहब से। रियाज़ रहमान साहब, समर कैंप के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि हेल्थ जो है ना वो बच्चों की बहुत अच्छी हो जाती है, उनका जो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन है, उनकी टेक्निक, कल्चरल अवेयरनेस होती है उनको, और बच्चे जो पूरा साल एक बड़े टाइट रोबोटिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, पैम्पर हुए हुए जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनमें उनको बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है और वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। समर कैंप्स में जो सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए होता है वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। उन्होंने चूज़ किया होता है कि मैंने इस स्पोर्ट्स में जाना है, मैंने इस खेल को खेलना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है समर कैम्प। और आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया। इस मौसम में जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं वो प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो उसके साथ साथ उनको समर कैंप्स की फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। बिल्कुल, ये और ये इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतने अच्छा समर कैंप जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जहाँ बेहद किस्म के बहुत ज़्यादा किस्म के खेल हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो मदर्स बैठी हुई हैं फौजिया और महविश, बच्चों के लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है कि आप लोग ये जो अभी आगे 3 महीने की छुट्टियां 2.5 से 3 महीने जो आ रहे हैं तो इनमें क्या कराना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों की एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं, उसके अलावा ये है कि स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। तो कैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हो या घर में कैसे बताते हो कि आपके सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, खेलने का टाइम है या पढ़ने का टाइम है? टाइम टेबल इस तरह है, सुबह उठते हैं तो फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद थोड़ी ब्रेक होती है इनकी, ये लोग प्ले करते हैं अपनी एक्टिविटीज़, खुद गेम्स अपनी क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी और ब्रेक इनको दी जाती है, उसके बाद फिर थोड़े कार्टून्स देखते हैं, फिर स्टडी ऑलमोस्ट समर वो पैक्स आगे होंगे घर पे, पैक्स आगे होंगे वो इतने बड़े बड़े पैक्स होते हैं जी बिल्कुल, साथ ही वो पैक्स भी साथ आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ बस बीच में स्टडी थोड़ी कम हो जाती है वेकेशंस में और एक्टिविटीज़ बच्चों की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आप क्या प्लान कर रही हैं? सेम हेयर के जैसे आप बच्चों को थोड़ा प्ले का टाइम भी दें ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू कर सकें। क्या आप सोचा है ज्वाइन करवाने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं सोचा है इस बारे में, लेकिन फर्दर सोचेंगे ज़रूर। अच्छा, सोचेंगे। अब बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेकेशंस तो होती हैं, इसलिए कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करें बच्चों के साथ जो कि थोड़ा वो चिल आउट करें, रिलैक्स फील करें। तो अगर वो मेन चीज़ नहीं होगी तो फिर उनको वेकेशंस का तो कोई फायदा ना होगा ना। समर पैक भी साथ चिल आउट करें, बच्चे ज़रा चिल करें, मोस्टली उनको चिल आउट करना चाहिए, स्टडी भी साथ रहनी चाहिए, लेकिन बोथ थिंग्स आई थिंक वी हैव टू गिव देम टुगेदर बोथ थिंग्स। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि माइंड उनका जो है वो रिलैक्स रहेगा तो नेचुरली वो जो है वो प्लेज में और इन सारी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा। आपने नहीं सोचा कि समर कैंप में इनरोल कराना है कि नहीं कराना? लेकिन अब आप सोचेंगे। राइट नाउ तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है या ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, लेकिन हो सकता है इंशाल्लाह। क्योंकि डेली रूटीन में वैसे ज़्यादातर बच्चे स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना ज़्यादा प्ले का टाइम इनको नहीं मिल पाता है, तो समर वेकेशंस में बेटर यही होता है कि बच्चों को स्टडी से थोड़ा सा कम करके तो एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जाए। अच्छा, तो ये सीमी लालेका साहिबा बैठी हुई है, हम्ना बिनते शहजाद साहिबा जो हैं, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, और हम ना एक तो पैक्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इतने बड़े बड़े जो पैक्स आप लोग पकड़ा देते हैं बच्चों पेरेंट्स को, तो वो पेरेंट्स तो बेचारे कुछ वर्किंग हैं, कुछ को समझ आती है, कुछ को नहीं आती, कि ये ज़रूरी है ये जो आप रीइंफोर्समेंट सेशंस जो होते हैं इसके पूरी बात बताएं। और सर बताएंगे कि जी जो मदर्स है जो नहीं सोच रही समर कैम्प के बारे में, सीमी लालेका बीच में बात करेंगी कि वो क्यों नहीं सोच रहे हम लोग। अच्छा, इसमें इस तरह से हमारे पास होता है कि बेसिकली समर पैक देने का एक पर्पस होता है, खासकर हमारे पास जो बच्चे होते हैं हर इंसान की और खासकर बच्चों की जो होती है वो 4 एरियाज़ पे डेवलपमेंटल हो रही होती है। अल्लाह ताला ने जब बच्चा पैदा किया तब से लेकर एंड तक हमारी डेवलपमेंटल एरिया जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। सोशल इमोशनल होता है, कॉग्निटिव होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है और साथ हमारी होती है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बेसिकली अगर आप समर पैक्स उठाकर देखो तो उसमें वो 4 एरियाज़ उसमें डाले जाते हैं। सोशल इमोशनल के अंदर आपके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डाली जाती हैं जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप किसी बड़े के साथ बैठो, उसका इंटरव्यू करो, उससे पूछो कि आपकी जब वो स्कूल जाते थे तो पास्ट एक्टिविटीज़ क्या होती थी। फिजिकल एक्टिविटीज़ की कुछ गेम्स होती हैं जैसे कि सर ने भी बताया। बट हम ना सीमी जी को बीच में कहते हैं, सीमी जी लोगों को नहीं समझ आ रहा होता बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन दे ओपन द समर कैंप द होमवर्क, उनको पेरेंट्स को समझ आ रहा होता कि उन्होंने करना क्या है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये रीइंफोर्समेंट वाला ही हो, यानी जो बच्चे कर चुके हैं बस वही हो, वही होना चाहिए जो वो इजीली कर सके। इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, ओके, ताकि जो है जब गर्मियों की छुट्टियां हो तो वो ये बिल्कुल उससे हट ना जाए। मतलब कोई क्रिएटिव राइटिंग हो गई, कोई मैथ्स की चीजें, कॉम्प्रिहेंशन हो गई जी, कुछ, ताकि प्रैक्टिस में रहें बहुत ज़्यादा लंबा गैप जो है वो फिर सही नहीं रहता। उसमें यह है कि फिर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो दूसरे एरिया स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। नॉट एग्जैक्टली होता सारे स्कूल्स का यही है। साथ हमें थोड़ा सा काम ये करना चाहिए कि हमें जो लिंक्स होते हैं ना जहाँ से पेरेंट हेल्प ले सकें वो मस्ट देने चाहिए। और साथ मेरा एक सजेशन ये है और मैं हमेशा ये प्रैक्टिस रखती हूँ कि मैं साथ एक लेटर टीचर को ज़रूर पेरेंट को भेजती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि दिस 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 इस रिसोर्स की अगर आपने हेल्प लेनी है तो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, इस गेम के थ्रू अवेलेबल है। प्लस हम लिस्ट ऑफ फ्लैश कार्ड्स भी भेजते हैं सॉफ्ट फॉर्म्स में। अगर आपने उस एक्टिविटी को करवाने के लिए इफ़ यू वांट टू टेक प्रिंट तो आप उसके प्रिंट भी ले सकते हो। सॉफ्ट फॉर्म में करवाना चाहते हो तो लेटर टू द पेरेंट इज मस्ट, जिसमें हम पेरेंट को ये बताएं कि ये एक्टिविटी है और इसको करवाने का प्रोसीजर ये है। वेल सेड हमना, वेल सेड। अब ये पेरेंट्स जो हैं हमारे साथ बैठे हुए नॉर्मल वो समर कैंप के ऊपर अभी नहीं सोच रहे, तो रियाज रहमान साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमने अपने बच्चे को ना 10-11 महीने इस तरह पैम्पर किया होता है कि वो बेचारा, अक्सर मैंने देखा है गाड़ी में बच्चे जा रहे होते हैं, आधा उनका सर जो है वो शीशे के साथ होता है, नाश्ता उन्होंने हाथ में पकड़ा होता है, वो आधा सो रहे होते हैं आधा जाग रहे होते हैं। स्कूल से आते हैं, कारी साहब आ जाते हैं, कारी साहब के बाद वो ट्यूशन पे चले जाते हैं और होमवर्क इतना मिला होता है कि वो रात को बेचारे किताबों पे ही सोए होते हैं, माएँ उनकी किताबें उठा के बैगों में रख रही होती हैं। ये जो 2-2.5 महीने छुट्टियाँ दी जाती हैं इसका मकसद ही यही है कि उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ भी दी जाएँ। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम टेबल के साथ साथ आपको मैनेज करना चाहिए, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को। मेरा फोकस ही पेरेंट्स रहे हैं कि पेरेंट्स को उनके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए उनको खेलने के लिए। हमने बच्चे से उसका बचपन टोटली छीन लिया। हम उसको डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, पायलट बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब वो समझता है ना, जब वो कॉलेज जाता है तो फिर वो समझता है कि यार ओहो मैंने तो कोई स्पोर्ट्स किए ही नहीं। और अक्सर मैं क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ, मुझे अक्सर दोस्तों की कॉल आती हैं जब मैट्रिक में किसी बच्चे या बच्ची के नंबर कम आ जाते हैं तो फ़ोन करते हैं, यार वो आपकी भतीजी के भतीजे के नंबर कम आए हैं, यार कोई 1-2 सर्टिफिकेट दे दें, हम जो उसका लेवल है वो उसको क्लियर कर सकें। उस वक्त स्पोर्ट्स की अफादियत का नहीं पता चलता उनको, उस वक्त भी उनको अपने बच्चे के उन मास की फिक्र पड़ी होती है, हालांकि उसकी हेल्थ पे हम लोग कोई कोशिश नहीं करते। सीमी लालेका साहबा, क्लास 2 में इस्लामियत में क्या मार्क्स थे हमें कभी याद है? नहीं। उर्दू में कभी मार्क्स थे हमें याद है? मार्क्स तो हमें एंड ऑफ द परफॉर्मेंस याद होती है। परफॉर्मेंस मींस व्हाट इज द नरिशमेंट, व्हाट इज द पर्सनालिटी एंड द ऑरा ऑफ द पर्सन। एग्जैक्टली, ये सब्जेक्ट्स इस तरह से इम्पोर्टेंट, इनकी इतनी इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं होती। ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बल्कि जो हमने को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया होता है वो याद रहता है। बट स्कूल्स नहीं कर रहे, स्कूल्स रिगरस स्टडीज के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्कूल्स में है जिसको बढ़ाने की डेफिनेटली ज़रूरत है। देखें साल में सिर्फ 2 महीने स्पोर्ट्स की इतनी अहमियत है कि ये डे टू डे वीकली टाइम टेबल में इसका होना बहुत ज़रूरी है। यानी फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। तो इसके लिए जो है ना स्कूल में जब वैसे भी जब स्टडीज़ हो रही होती तब भी कैंप्स लगते हैं, आफ्टरनून में कैंप्स लगते हैं। वीकली टाइम टेबल में इसका हिस्सा होता है, एटलीस्ट 2 आवर्स जो है वो एक वीक में स्पोर्ट्स का टाइम होता है। और इसके बाद आफ्टर स्कूल में भी कुछ कैंप्स लगते हैं जिसमें क्रिकेट है और चीज़ें हैं, तो बच्चे अपने शौक से वो कर रहे होते हैं। तो सिर्फ ये गर्मियों की छुट्टियों में स्पोर्ट्स की अहमियत नहीं है, थ्रू आउट आई वुड से कि ये बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी स्पोर्ट्स में बच्चों को, पेरेंट्स को जरूर इनरोल कराएं, करना चाहिए। बिल्कुल, ये पेरेंट्स है ये इनरोल कराएं। हम ये चाहते हैं कि समर कैंप्स को पता लगे कि समर कैंप्स की कितनी अफादियत है। थोड़ी सी ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारा बातों का सिलसिला जारी है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अभी हम बात कर रहे थे समर कैंप्स पे, तो उसके लिए हमें जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमें ज्वाइन किया है, अली अब्बास साहब और उनके साथ हैं सैयद एजाज बुखारी साहब। दे बोथ नीड नो इंट्रोडक्शन, वेल नोन फेसेस, और इनकी जो बातें होती हैं वो दिल में उतरती हैं, दिल में उतरती, दिमाग में उतरती, ये कभी पता लगेगा। तो पेरेंट्स और टीचर्स और हमारा जो स्पोर्ट्स पैनल है वो अभी देखेगा हमें, और दे कैन इंटरप्ट बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, समर कैंप्स एंड व्हाट, ये जो 3 महीने होते हैं ये किस लिए होते हैं? तो विल स्टार्ट विद सर। जी थैंक यू वेरी मच। मैं चूँकि एक रिलेशनशिप कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, तो मैं खासतौर पर कपल्स को देखता हूँ। तो गर्मियों की छुट्टियों में हमारा काम बढ़ जाता है क्योंकि इन दिनों में बच्चे घर में होते हैं तो वालिदैन के अक्सर आपस में इख्तिलाफात ज़्यादा होते हैं जो हमारे देखने में आए, यानी हमारा क्लाइंट बढ़ जाता है। दूसरे बात उसकी बुनियादी वजह यह है कि बच्चों को की आदत नहीं रहती पूरे 9-8 महीने में, ख़ास तौर पर घर में खातून खाना, जब उन्हें आदत नहीं रहती उनके साथ वक्त गुजारने की, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अब ये सवेरे उठ के मेरे सर पे सवार होंगे। अब जिस घड़ी वो ये कहती है कि सवेरे उठ के मेरे सर पे सवार होंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो जो कनेक्टिविटी है उसने वहीं पहले उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं करना इस रोल के तौर। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती जिस तरह से उसके साथ कनेक्ट होना है। मेरी वालदा मुझे बड़ी अच्छी बात फरमाती है, वो कहते हैं कि बच्चे टेंशन रिलीजिंग कैप्सूल्स होते हैं आपके पास, जब ये होते हैं आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप इनके साथ सिर्फ अटैच हो जाए। अच्छा, अब जब ये शाम को खातून खाना फरमाती है ना कि तेरे बच्चों के साथ जिस तरह मैंने दिन गुजारा है वो मुझे पता है, तो वहीं से प्रॉब्लम्स होती है। वो कहते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, काम छोड़ दो और इनके साथ बैठ जाऊँ। वहीं पर उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है आपके समर कैंप का, तो समर कैंप का मुझे रईस साहब की बड़ी अच्छी बातें लग रही थी। मैडम तो खैर ज़ाहिर लेजेंड है हमारे लिए, तो मैं ये बात समझता हूँ कि बच्चों को खेलने की आदत डालने का महीना है। सिर्फ तो आप रईस साहब एग्री कर रहे हैं? आई डू एग्री कि नहीं, मैडम ने भी ये बात की थी कि उनको सिर्फ ये 3 महीने नहीं खिलाना बल्कि तीन महीने में खेलने की आदत डालनी। दूसरी बात, ये जो समर कैंप्स का मैम भी फरमाती कि वो देते हैं बनाकर, पैक भी बना के देते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी नस्ल को तफहीम के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, कॉम्प्रीहेंशन के साथ, तब तक किसी किस्म के कोई नताइज नहीं निकल कर आएंगे। अब देखिए सूरह यूसुफ हम सब ने पढ़ी है, अगर सूरह यूसुफ से हम ये देख लें कि आपके सगे आपके साथ खराबी कर सकते हैं, ये उसका मजमून है। अगर सूरह यूसुफ पढ़ने के बाद ये है कि बाप रो सकता है औलाद की विदाई, तो ये मजामीन है कुरान से। अगर हम इन मजामीन को सामने रखते अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, यकीन मानिए बड़े मुख्तलिफ नताइज निकलना शुरू होते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि घर में बैठ के नानो दादो भी अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात अगर वो कर सकती है या पढ़ सकती है, वो सिर्फ इतना कहें कि डब्ल्यू फैमिली, ये लोग जानते हैं इन चीज़ों को, डब्ल्यू फैमिली का कितना किरदार है। अब देखिए, अगर एक बच्चे ने आकर साथ बैठ के पढ़ा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए थे, तो वहीं पर उसकी दादो जो शायद कुछ नहीं पढ़ सकती लेकिन सुन के समझ सकती है, अगर वो उसे पूछ लेती है कि भाई कौन पैदा हुआ था, तो जवाब आया कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। फिर भाई कहाँ पैदा हुए थे, जवाब आ गया कराची में। तो अब उस जुमले में कोई मालूमात रही ही नहीं, अब उसे इल्म लेना उस जुमले से, उससे कैसे उसने गैदर करना है, वो उसकी ज़ात तक पहुंचा। अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ कराना शुरू कर दें, यकीन मानिए बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। और मैं तो वालिदैन से ख़ास तौर पर जो वालिदा हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आपको ये कनेक्ट होने का टाइम है। अगर आपको मौका मिल रहा है छुट्टी लेने का, तो बच्चों की छुट्टियों का मतलब आपकी भी छुट्टी होनी चाहिए, आप भी छुट्टी लें और उनके साथ कनेक्ट हों। और दूसरी बात इसमें मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर सवेरे से लेकर रात तक बच्चे के साथ आप कम्युनिकेट करके कम्युनिकेशन के अपने स्टाइल को और उसके स्टाइल को ठीक करते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ये जो अड़े रहते हैं यही यही तो हैं जो सड़े रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये अड़े हुए सड़े हुए होते हैं, तो हमें इन चीज़ों से निकल कर आना है। और आप बच्चे के साथ सिर्फ कम्युनिकेशन शुरू कीजिए, यकीन मानिए आपको अंदाज़ा होगा। देखिए, जिसको खुदा से आए हुए थोड़ा वक्त हुआ है ना, वो अभी खुदा वाला है। आप उसके साथ जुड़ के खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, और वो तभी मुमकिन है जब आप उस एतबार से उन चीज़ों को देखना करना शुरू करेंगे। मेरी तो इसके मुताबिक आपके कोई क्वेश्चंस हैं? पेरेंट्स बैठे हुए सामने, कोई क्वेश्चंस हैं कि बात जो है जो की है इजाज़ साहब ने, वो कुछ कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, तो कम्युनिकेशन की जो बात हो रही है, ये आई थिंक ये पूरे साल के जो 12 महीने हैं, ये इसकी तो इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये कनेक्टिविटी और ये कम्युनिकेशन एक पेरेंट की या ग्रैंड पेरेंट की बच्चे के साथ डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आप इसको मतलब इसका फोकस समर वेकेशंस नहीं है सिर्फ, मेरे ख्याल से, बिकॉज अगर आप डेली बेसिस पे जब बच्चे घर वापस आते हैं तो उनसे पूछना कि उनका दिन कैसा गुजरा, उन्होंने क्या किया, और तब भी एक क्वालिटी टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वांटिटी तो होती है, उस क्वांटिटी में आप 7-8-10 घंटे जो हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं घर में, मगर उसमें क्वालिटी नहीं है। यानी आप उनको उस वक्त वो टाइम नहीं दे रहे, आप उनसे 1-to-1 बेसिस पे पूछ नहीं रहे, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और इसको रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पे होना चाहिए। I would like to add one more thing कि जैसे कि हम बात करते हैं, सर ने कहा W फैमिली, जैसे क्वेश्चनिंग करना है। मैं क्वेश्चनिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको अदर देन बताती हूँ कि हमने अब अपने करिकुलम में ये पार्ट ऐड कर दिया कि हमने लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐड किए हैं राइट फ्रॉम द प्ले ग्रुप। अब उसमें होता क्या है कि अब हम अगर बच्चे को एक पोएम भी सुनाते हैं ना, कि जैसे एक बहुत हमारी फेमस नर्सरी राइम है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर यस सर। तो उसमें भी हम टीचर्स को कहते हैं कि नाउ आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम कि शीप का कलर क्या था, कितने बैग्स थे, पहला बैग किसने दिया। नाउ दिस इज कनेक्टिविटी, वो बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन, वो कुछ आपका वो जो नॉलेज होता है ना, जो सर ने बात की है अभी कि कुछ फिर वो नॉलेज लेने वाला होता है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ ग्रामर्स डेवलप कर रहे थे। अब इससे क्या होगा, वो कनेक्टिविटी। अब इसी तरीके से जब घर में हमारे पास एक बच्चा है, वो 30 मंथ्स की उम्र में मोस्ट प्रॉबली स्कूल जाता है। बहुत जल्दी भी डालें तो 30 मंथ्स 2.5 साल की उम्र में डाल देते हैं, लेकिन नॉर्मली 36 मंथ्स तक जाता है। तो वहाँ पर भी अगर जो पेरेंट हैं, और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि मेरा नेफ्यू है, वो आजकल अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है, यानी कि मेरी मदर के साथ रहता है, तो वो सारा दिन उसको लेके लगी रहती हैं। जो भी उसको चीज़ दिखाएंगी सुनाएंगी, वो W फैमिली का वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक एक चीज़, मतलब उसको अगर खाना भी खिला रही हैं तो वो क्वेश्चनिंग में उससे पूछ रही हैं और आंसर्स। और ये वो एज है कि यहाँ पर आप उसको कोई भी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हो। लैंग्वेज नेवर बीन अ बैरियर, पर जितने भी बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ये फर्स्ट 30 मंथ्स ही है आपके पास। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। देखिए, बर्दाश्त करके बर्दाश्त करना सिखाया जाता है। अब अगर घर में मौजूद वालिदा या वालिद साहब वो बर्दाश्त नहीं कर रहे तो वो बर्दाश्त करना सिखा नहीं सकते। दूसरी बात, जब हम बर्दाश्त कहते हैं ना, तेरे लिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त हमेशा अपने लिए की जाती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि रब्बे कायनात ने तो हमें मुँह अता फरमाया, क्योंकि सोने की तख्लीक कभी कोजी नहीं हो सकती, लेकिन उस मुँह को बूथा हम खुद बनाते, वो हमारा इख्तियारी फेल है। तो आप जब बच्चों के साथ किसी भी एतबार के साथ जुड़ते हैं, आप उनके साथ खुश रहेंगे, आप उन्हें खुश रहना सिखा रहे हैं, आप उनके साथ चिड़ के रहेंगे, आप उन्हें चिड़ के रहना सिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पर वालिदैन, देखिए जो आप दोनों के दरमियान मोहब्बत का सबब हैं, उनको तो मोहब्बत मिलनी चाहिए ना। और बच्चे को जो सुनता है वो सुन के सुनना सिखा सकता है। और हम अक्सर कहते हैं, मैं अक्सर वो हस्बैंड वाइफ के हवाले से भी मैं यहाँ बात करता चलूँ कि अगर ऐसे हस्बैंड बात शुरू करना कि देखो मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है, वैसे आज तक तुमने मेरी बात सुनी तो नहीं। अब जिस घड़ी वो कहेगा तुमने मेरी बात आज तक सुनी नहीं, तो उसने बुनियादी तौर पर उसे बता दिया कि अब तूने मेरी बात नहीं सुनी। और अंदर ही अंदर औरत कह रही थी कि आप तो बहुत समझदार हैं कि मैंने आपकी आज तक बात नहीं सुनी, और बेवकूफ़ी आपकी यह कि आप फिर भी मुझे सुना रहे। तो जब तक ये आपस में एक दूसरे के साथ ठीक नहीं होंगे, यकीन मानिए इनके बच्चे ठीक नहीं हो सकते। कोई स्कूल इन्हें कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जब तक ये आपस में, मैं अक्सर HR वालों से कहता हूँ कि आपके यहाँ जितने भी लोग आते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सबब बन रहे हैं तो उनके घर से मसला आ रहा है। देखिए, हम जब अपने घरों में छोटी छोटी जहर की पोटलियाँ दे के निकलते हैं ना, वो सारा दिन पोटली दर पोटली, तकसीम दर तकसीम, ज़रब दर ज़रब होती हुई शाम को गठड़ी बनी हुई होती है। जब हम अपने वापस अपने घरों को लौटते हैं तो उसका नुकसान किसको है? आप ही को है। एक लम्हे को मैं अपनी खुशी समझ लूँ कि मेरा एक इसके ऊपर लेक्चर भी पड़ा है कि मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास तुम हूँ की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना मेरे पास मैं हूँ की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि अगर मैं अपने पास हूँ, क्योंकि देखिए कब्र जब मेरी है तो समझ भी तो मेरी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी खुशी हमेशा मेरे हाथ में रहेगी, और अगर मैं उस एतबार से चीज़ों को लेकर चलूँगा कोई दुखी नहीं हो सकता। कुरान का अगेन फरमान, इन्ना माल उसरे युसरा, कि एक दुख तो दो सुख हैं। आप किसी को देख के तो देखे सारे दुखी हैं, तो इसका मतलब वो कुरान की उस तकसीम, रब की उस तकसीम के साथ उस तर्ज पर नहीं जुड़े हुए। और जब वो जुड़ेंगे खुशी उनके पास होगी। मैडम, बल्कि ख़ास तौर पर मैं स्कूल से जाकर कहता हूँ, अब तो सिंगल मदर्स के भी इशूज़ हैं, इन लोगों को ख़ास तौर पर कपल्स के ऊपर, इनके ऊपर काम, वो इंस्टीट्यूशन ठीक हो गया कोई ख़राबी कहीं हो ही नहीं सकती। जब एक दूसरे के लिए राहत है वो, मैं बल्कि एक कपल को कहने लगा, मैंने कहा जनाब वो आपकी राहत है, आप उनसे राहत लीजिए। वो फरमाने लगे उसका नाम भी राहत है लेकिन फिर भी राहत। तो इसी राहत के साथ जो मदर्स में जो राहत आ रही है वो है 3 महीने की छुट्टियां। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रही हो सर से? यस, क्वेश्चन इज दिस कि अगर बच्चे की जो स्टडी के अकॉर्डिंग जो बात करें अगर, तो जैसे कि मैंने बताया कि समर पैक्स भी आते हैं, तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इनके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको भी और स्टडीज़ को? बिकॉज बच्चों का ज़्यादातर रुझान जो होता है ना वो होता है प्लेस की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ, क्योंकि पूरा साल जैसे मैम ने कहा कि वो उसी प्रोसेस से गुजरते हैं, स्टडी रोबोटिक लाइफ होती है उनकी। तो हाउ कैन वी मैनेज, हाउ कैन वी बैलेंस दीज थिंग्स? देखिए, एक तो मैं चूँकि सारी इस मामले से थोड़ा सा इख्तिलाफ राय रखता हूँ, मैं तर्ज इख्तिलाफ का राय ख्याल रख के करूँगा। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि बच्चे को जितना हो सके इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ ले। अभी मैडम ने कहा 2.5 साल का बच्चा, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हिसाब से 5-6 साल बाद स्कूल जाना चाहिए, वो बचपन को तो देख सकते। यहाँ तो मैंने एक जगह देखा कि प्रेगनेंट थी खातून और दाखिला हो रहा था बच्चे का। हाँ, 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 ये होता है बिल्कुल। यानी ये पता लग गया कि वो लड़का है या लड़की है, ताकि वहाँ लिख सके, नाम लिख सके। ये हाल है। तो एक तो मैडम, दूसरी बात है कि प्लीज अपने बच्चों के साथ उलझें, इनफॉर्मली उन्हें अटैच करें अपने साथ। फॉर्मल सारा वक्त तो फॉर्मल गुजार के 9-8-10 महीने बिल्कुल ऐसे। अब वो अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, उठने दें उन्हें, खेल खेल में उनके साथ कनेक्ट हो। और वालिदैन को एजुकेट होना है बच्चों। मैं इस ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ हूँ। वालिदा को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मुझे याद है, खातून मेरे पास हैं, बड़े एलीट स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी बच्ची 16-17 बरस की हो गई, तो मेरे साथ वो आई कोई इनके इशूज़ से डिस्कस करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आज आप बैठ कर ना ये 4-5-8 सवाल हैं बच्चे के साथ बात करते, इस तरीके से पूछने। सवाल तो हैं, पूछना इस तरीके से। यू वॉन्ट बिलीव इट, शी रैंग मी। और मुझे वो फरमाने लगी कि बुखारी साहब, मुझे तो आज पता चला कि मेरी बच्ची इतनी सियानी, समझदार और बड़ी हो गई। यानी 16 बरस में नहीं पता चला, किस कदर डिस्कनेक्ट थी। तो आपका ये बेहतरीन वक्त है अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होने का। आप उनके साथ कनेक्ट होइए, ट्रैवल कीजिए। कुछ एरिया जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अली साहब करेंगे। साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और खूबसूरत लाउंज, उनके क्वेश्चंस और स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस और कहते हैं कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर हमने कर्व करना है। ये जो हमारे 3 महीने अब समर कैंप जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे जाएं, और इन 3 महीनों में पेरेंट्स का क्या रोल होगा और क्या है, एजाज साहब ने बताया है। मज़ीद क्या होगा वो हमें बताएंगे आगे हमारे सेकंड मोटिवेशनल स्पीकर अली अब्बास साहब। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस, गुड मॉर्निंग। बैक व्यूअर्स, तो इट वाज सच एन इंटरैक्टिव सेशन जो कि अभी जारी है, क्योंकि अभी एक बात तो हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, और मदर्स की भी ऊपर से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सुना है, और टीचर्स का जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी भी छोटी छोटी चीज़ें हम सुन रहे हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम मज़ीद एम्फेसिस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। मगर अली अब्बास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं सुना। अली अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं समर कैंप्स पे और पेरेंट की बॉन्डिंग के ऊपर, और मज़ीद हाउ टू यू नो प्रोजेक्ट इट इन अ बेटर वे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हिना, मुझे वैसे बुखारी साहब की बातें सुन के ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरा दिल तो यही कह रहा था कि बुखारी साहब बोलते रहें और हम सब सुनते रहें, क्योंकि अभी बात भी हुई है गुड लिसनिंग की। जो गुड लिसनर्स होते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की भी करते हैं और उनका नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलने वाले होते हैं वो नॉलेज इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो जो माइंड में चीज़ आती है वो वही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम क्योंकि बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, बच्चों की, इसके 3 एंगल्स हैं, मैं बयान करता हूँ आपको। पहला एंगल इसका टीचर्स है, एंड सेकेंड वन इज़ द पेरेंट्स, एंड थर्ड एंगल जो है वो खुद बच्चा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बात होती है ग्रूमिंग के, बच्चों की, लेकिन मैं पेरेंट्स की ग्रूमिंग की ज़्यादा बात करता हूँ। आज से 15 साल पहले कासिम अली शाह साहब ने जब स्कूल लॉन्च किया था तो उन्होंने ये फ़लसफ़ा समझ लिया था। उन्होंने पेरेंट्स को और अपने मदर्स का क्लब्स बनाने शुरू किए, क्योंकि इन तीनों लेवल्स को डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स डेवलप होगा। आप गौर करें, जो टीचर्स होते हैं वो भी जब एक दफ़ा मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं उसके बाद उन्होंने तौबा की होती है कि मैंने कोई ज़िंदगी में किताब नहीं पढ़नी, उनको भी अपनी ग्रूमिंग करनी होती है, क्योंकि बच्चे ने वक्त गुजारना है टीचर के साथ और पेरेंट्स के साथ। अच्छा, अब जब ये दोनों ग्रूम होंगे तब ही वो बच्चा ग्रूम होगा। अभी देखें, गर्मियाँ हैं तो हम बच्चे बहुत ठंडा पानी पीते हैं, बिल्कुल, तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर माँ बहुत ठंडा पानी पी रही है और बच्चे को अगर कहे कि ठंडा पानी नहीं पीना, तो ये मुमकिन नहीं है कि बच्चा जो है वो पानी जो है वो ठंडा ना पिए, वो माँ को देख के पिएगा, क्योंकि वो माँ जो करेगी बच्चा एग्जैक्टली वही करेगा। यहाँ पे मेरे पिछले दिनों मेरा मोहसिन नवाज साहब के घर में जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे उनका घर का माहौल बहुत बड़ा अच्छा लगा। एक तो उनके घर में टीवी नहीं था, उनके बेटे हैं अली साहब और सलमान साहब, मुझे उनका इतना खूबसूरत घर का निज़ाम रखा। जैसे ही वो उनके वालिद साहब जो हैं, वैसे मोहसिन नवाज साहब इज़ अ लेजेंडरी पर्सन और वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान के, मैं उनके बारे में कहा करता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में किसी के दिमाग में कभी भी ख़ुदकुशी का ख्याल आए तो आप एक दफ़ा मोहसिन नवाज़ साहब के पास वो चले जाएं, क्योंकि वो होप का समंदर है। अच्छा, अब अली और सलमान इनके बेटे जब सारे घर बैठते हैं तो मैंने ऐसा माहौल पाकिस्तान में तो हर कहीं नहीं देखा। ना मोबाइल यूज़ करते हैं ना वो टीवी देखते हैं, वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अली भी वीडियोस बनाता है, सलमान भी वीडियोस बनाता है, मोहसिन नवाज साहब अपना क्लिनिक में काम करते हैं, उनकी मदर भी वर्किंग करती हैं। अच्छा, वो चारों बैठ जाते हैं और चारों बैठ के वो गुफ्त शनीद करते हैं आपस में। अच्छा, अब गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी बच्चों के साथ आप गौर करें कि आप ज़िंदगी में एक घंटा भी बात नहीं करते पूरे 24 घंटों में। अच्छा, इससे होता क्या? कथारसिस नहीं होता। जब कथारसिस नहीं होता तो जो सवालात बच्चे के दिमाग में हैं वो बच्चे के दिमाग में ही रह जाते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप एक विजन बनाएं कि इस 3 मंथ्स में हमने अपने बच्चों को विजन बड़ा करना है। अच्छा, वो विजन बड़ा करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है उस बच्चे के इंटरेस्ट में आप अपना इंटरेस्ट शामिल कर लें। जिस तरह मेरी बड़ी बेटी है वो BTS के सॉन्ग्स और वो कोरियन ड्रामास देखती है, मैं उसके साथ बैठ के देखता हूँ ताकि हम उस पर फिर डिस्कशन कर सकें। अब जैसे मेरी छोटी बेटी है वो मेकअप 4 रो वो गेम में उसके साथ खेलता हूँ ताकि उसका इंटरेस्ट उसमें है। अच्छा, आपने दूसरे के इंटरेस्ट के मुताबिक अपने आप को ढालना है, ना कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप सोचें कि दूसरा जो है वो आपकी गुफ्तगू में इंटरेस्ट ले। पेरेंट्स की बातें ना ज़रा बोरिंग होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते। करने के भी ज़िम्मे में आता है ना, क्योंकि अक्सर हम डिक्टेट करते हैं कि आपने ये करना है या ये नहीं करना, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दिस। तो ये चीज़ें जो हैं एक बड़ा नेगेटिव कॉन्टेशन देती हैं हमारे अंदर कि व्हाई आर यू सेइंग मी। अगर अच्छा, ये भी तरीका है जैसे आई डोंट वांट यू टू गो मीट हिम या समवन। हम लोग अक्सर माँ बाप कहते हैं कि हमें आप इस बच्चे से ना मिलो, बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है घर में, या ये बच्चा थोड़ा सा वो नोटी है। तो हमारी टीचर्स भी कहती हैं कि आप अपने बच्चे को इस बच्चे से दूर रखें। ऐसा होता है? लालेका साहिबा, आप बताएं इसमें। देखिए, ये वाली बात है कि अच्छे देखें, अगर अच्छी जिसे कहते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी होगी तो ये तो मैटर करता है कि आपका उठना बैठना किसके साथ है। पर ये चीज़ ठीक मगर ये ठीक नहीं है। मतलब इस तरह से नहीं है कि टीचर को जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है अगर, तो ये किसी बच्चे को लेबल कर देना कि ये बच्चा ठीक नहीं है और इससे ना मिलो, वो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको प्रॉब्लम देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। अगर पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे बात करें। बच्चों में कभी कभी कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका रूट कॉज जो है वो फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप फिर उसको थोड़ा सा काउंसलिंग करें, हेल्प आउट करें। और बल्कि ऐसे बच्चों को कुछ ऐसे जो बच्चे जो मिसाली बच्चे हैं या जिनका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा है उनके साथ उनको पेयर करवाना चाहिए प्ले डेट्स के जरिए। हाँ जी, ताकि उनसे वो हेल्प लेकर वो बच्चे भी ईजी हो जाएँ। देखिए, मूवीज़ ना सीखना बहुत बड़ा सोर्स है। मूवीज़ में आपने हीरोशिप क्रिएट करनी है। आप बच्चों के साथ वो मूवीज़ देखें, जैसे स्टीफन हॉकिंग की लाइफ पे मूवी बनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। आप उनको वो मूवी दिखाएं और वो मूवी में देखें कि उसने ज़िंदगी में कैसे स्ट्रगल करके एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी है, मैंने देखी है। अच्छा, वो देखें तो फिर देखिए बच्चों के मिजाज के मुताबिक आप चलें ना। आप उनको लेक्चर्स ना सुनाना शुरू कर दें, आप मूवीज़ के ज़रिए उनकी तालीमात को, उनका विजन जो है वो ब्रॉड करना शुरू करें। जैसे नेल्सन मंडेला की इन्विक्टस मूवी है, उसमें लीडरशिप और प्यार मोहब्बत करने की और माफ़ करने की एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। बिल्कुल मैसेज है वो, उसको उनको वो दिखाएं, फिर उस पर डिस्कशन करें। क्योंकि जितना कंटेंट आपके पास उनके साथ डिस्कशन करने के लिए आएगा उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। इजाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि आप ये बात कर रहे थे कि जिस तरह मूवीज़ लार्जर देन लाइफ सिनेमा है और बच्चों के लिए एक मैसेज होता है इस तरह की कम्युनिकेशन बिल्ड करने में। तो अब आजकल तो बच्चे फास्ट एंड फ्यूरियस, आजकल बच्चे ऐसी मूवीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वायलेंस शो हो रहा है वो बहुत पसंद करते हैं। तो वो जो मूवीज होती थी एक बायोग्राफी के ऊपर या अपनी जिंदगी के ऊपर वो नहीं देखते। आप क्या समझते हैं कि ऐसी मूवीज जो जहाँ वायलेंट प्रमोट होता है वो मूवीज अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो पेरेंट्स को बैठ के देखना चाहिए साथ? नहीं, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर अर्ज करूँ कि जिसने ठीक करना होता है ना उसका ठीक होना ज़रूरी होता है। अब मैंने किसी को ठीक करना तो मैं ठीक होऊंगा तो मैं किसी को ठीक कर सकूँगा। अब जब आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं आप उसके लिए इंतखाब करते हैं। इंतखाब करना और इंतखाब को थोपना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे हम इंतखाब जब किसी चीज़ का कर लेते हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने ये चीज़ को दिखानी है, तो उसके बाद जब उसके ऊपर थोपते हैं, जिस तरह अली साहब फरमा रहे थे कि फिर लेक्चर फॉर्म में हम आ जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात गाड़ियाँ ना बड़ी सड़क के ऊपर आती हैं और आहिस्ता 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 अपनी जगह बनाती हैं, अचानक नहीं आके उस तरफ खड़ी हो जाती हैं। तो बाकायदा जगह बनानी पड़ती है। इसी तरह से आपने देखो सोफे के ऊपर भी अगर किसी के साथ आप आकर बैठते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से सिरकते सिरकते वो जगह लेने के लिए वक्त लगता है। बिल्कुल, वालिदैन को एजुकेट होना ज़रूरी है। अब देखिए एक बच्चा मैथ छठी में पढ़ रहा है, उसकी एज है, उसकी वालिद या वालिदा कहे कि हमारे दौर में और मैथ जी भी आपके दौर में 2 + 2 = 5 तो नहीं था ना, वो 4 ही था ना। तो अगर एक बच्चा उस उम्र में सीख सकता है उस मैथ को तो क्यों। मैं जब भी उस्ताद की बात करता हूँ तो मेरे वालिद साहब ने हमें सिखाया, और आज जब भी हम बड़े बड़े स्कूल्स में देखते हैं कि वो जो गंदम में लिखा जाता है एस लिखा जा रहा है, रेत में लिखा जा रहा है, वो उसको सारा कुछ मेरे वालिद साहब ने हमारे साथ वो किया हुआ। जब आपकी दिलचस्पी होगी आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते। मोबाइल का जहाँ तक इस्तेमाल है, देखिए इससे रोका तो नहीं जा सकता, रोकना चाहिए भी नहीं, लेकिन यह है कि जिसने रोकना है वो उससे भी तो पता हो ये क्या शय है। अक्सर वालिदैन कहते हैं मैं तो जी काला मोबाइल यूज़ करता हूँ, मुझे तो पता नहीं किसी चीज़ का। भाई तुम्हें पता रखना है, चूंकि तुमने उनका पता रखना है जिन्हें बाद में तुम्हें ये ना कि लग पता जाए तो वो तभी मुमकिन है जब आप उसको उसी एतबार से देखते। मैं एजाज साहब की और अली भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बच्चों को एजुकेट करने का जो सिस्टम है ना वो हमें मूवीज़ से लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाएँ तो जो हमारी बेस थी ना हम उसको छोड़ चुके हैं। हमारी पहले बच्चों और बच्ची की ग्रूमिंग या उसकी तरबियत करती थी उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी खाला, उसकी पुप्पो, उसकी बड़े। बिल्कुल, उनको पता होता था कि ये हमारा फ्यूचर है जी। और बच्चों की तरबियत उसका चाचा, उसका मामा, उसका फूफा, ये लोग कर रहे होते थे। आज हमने डिस्कनेक्ट कर दिया उस सिस्टम को, जो हमारी रूट्स थी ना, हमने उन रूट्स को छोड़ दिया। इसलिए अब माँ और बाप को उस सिस्टम को मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बाप ने ऑफिस भी जाना है, माँ ने ऑफिस भी जाना है और बच्चों को भी मैनेज करना। अगर यही बच्चे दादी दादा, नानी नाना, मामा फूफी के पास चले जाएं आज भी, तो ऐसी तरबियत करके ऊपर आएंगे कि वो अपना नाम फिर मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल जैसा ही करेंगे। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो लेकिन यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है ना, वो आपको पता है वो तकरीबन कोलैप्स कर गया जी। अब मैं आपको बताऊं, मैं चूँकि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, मैं रईस साहब आपसे अर्ज़ करूँ, पिछले दिनों ARY वाले आए, मेरा कोई इंटरव्यू था डॉक्यूमेंट्री के हवाले से करने के हवाले से। उन लोगों मुझे वहाँ से पता चला कि 500 खुला हुई लाहौर में एक हफ्ते में खुला, और ज़्यादातर खातिन ये फरमा रही थी कि अब हम कमाती हैं, मोहताज नहीं है तेरी, सिंगल पेरेंट रहना चाहती। अब आप उसके बाद देखिए कि वो कहाँ गया। पहले रोक टोक होती थी दादे दादी की, अब तो दादे दादी ना रहे साहब, कौन उनके साथ जाके रहना चाहता है। और अगर वो नहीं रहना चाहते तो उधर मजबूर करने के बजाय इन्हें इक्विप करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ तभी ये मुमकिन हो सके। बाकी जो बात फरमा रहे वो तो सोने से लिखी जाने वाली है। तो बातें जो हैं वो बहुत सी हो रही हैं और बहुत कुछ जो है हम सीख भी रहे हैं और आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो अगली ब्रेक में बताएंगे कि करना क्या है। और समर कैंप के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि समर कैंप कितने ज़रूरी हैं, समर कैंप से हम किस तरह अपने बच्चे की मेंटल फिज़िकल ग्रोथ कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम बात कर रहे थे समर कैंप्स की फायदियत की, समर कैंप्स के अलावा कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, बॉन्डिंग कितनी ज़रूरी है, फिज़िकल और मेंटल नरिशमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ हैं, उनसे हम लास्ट एक मैसेज देना चाह रहे हैं। लास्ट क्या लेंगे, एक मैसेज, क्योंकि वो जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मदर्स देख रही हैं, ताकि वो इस चीज़ों को कर सकें कि उनका बच्चा वो कहाँ रेट कर रही है बच्चे को और वो क्या करना चाहती हैं इन जो हमें जो महीने मिले हैं। अच्छा हिना, मैं क्योंकि एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस पे काम करता हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि हमारे माइंड में ना हवा है बहुत बड़ा सरकारी दफ्तर में जाना। क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी कोई बात आती है कि मैं सरकारी दफ्तर में जाना, तो हमारे दिमाग में आता है कि बड़ा मुश्किल काम है। अगर खुदा ना हादसा किसी का ताल्लुक पुलिस से या कचहरी से या थाने से या ऐसे जो इदारे हैं उनसे पड़ जाए तो उनको बड़ी परेशानी होती है। मेरी गुजारिश ये है पेरेंट्स से कि वो बच्चों को ना लेके जाएँ साथ इन सरकारी दफ्तरों में। एक तो उनका फियर कम होगा, ठीक है। दूसरा, अगर वो बैंक्स में भी जा रहे हैं तो बैंक्स में जाके वो कहें कि ये आप जो ये पर्चियां हैं, ये फॉर्म्स आप फिल करें। क्योंकि हमारे कौम को ना बड़ा मसला होता है, चाहे वो वीज़ा फॉर्म हो, चाहे वो एडमिशन का फॉर्म हो, हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें फॉर्म फिल कर दे। हालांकि एक फॉर्म फिल करना किसी भी ग्रेजुएट शख्स के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जैसे जैसे सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, अगर बैंक्स में जाएंगे, वो फॉर्म्स फिल करेंगे, उनकी आदत एक तो बन जाएगी और उनको बिहेवियर उनका डेवलप हो जाएगा कि हमने जब सरकारी दफ्तर में जाना है तो अगर कोई लेन देन भी करना है तो उसका तरीक़ेकार जो है वो क्या होना चाहिए। तो इससे जितनी भी आप सरकारी दफ्तरों में जाएंगे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और टाइम बहुत शॉर्ट है, क्रिस्प हमने मैसेज लेना है कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विसेज के ऊपर। जी बिल्कुल, बच्चों को लेकर करवानी चाहिए कम्युनिटी सर्विसेज। एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बच्चों को जब आप कहीं भी लेकर जाएँ तो उनके जहन में बिठाएं, जो ही वो वापस आएंगे या तो वो रिकॉर्ड करेंगे कि हमने ये ऑब्जर्व किया, ये किया, और या वो फिर लिखेंगे उसको। और जब उसे रिकॉर्ड करें तो एक दफ़ा उसे म्यूट करके चलवाएँ कि वो देखें कि वो लग कैसे रहे थे, एंगल क्या था, सारी चीज़ों का। उसके बाद दूसरी दफ़ा उसे आवाज़ के साथ करें। और देखिए हैवाने नातिक का मतलब ये है कि हमें कलाम मिला है तो हमारा लबो लहजा बहुत होना बेहतर ज़रूरी है। और मेरे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है कि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहू लहान करते हैं। वेरी वेल सेड सर। सीमी लालेका साहिबा, मैं इस तरफ ये कहूँगी कि बच्चों को ना टीच देम या ग्रूम देम विद एग्जाम्पल। पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, जो भी हैं टीचर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में पढ़ने का रुझान हो तो आप उनके सामने किताबें पढ़ें, ठीक है, तभी वो बैठ के किताबें पढ़ सकेंगे, ठीक है। और जैसे वो पानी पीने की बात हो रही थी, जो आप चिल्ड्रन ऑब्जर्व और फिर वो वही करते हैं। अगर हम उन्हें सिर्फ लेक्चर देते रहेंगे ना कि चलो बैठो कोई किताबें पढ़ लो, नहीं, आप उनको दिखाएं कि हम भी मुताला करते हैं, बैठते हैं कोई 1 आवर या आधा घंटा कुछ पढ़ते हैं। तो हमारे पास लाइब्रेरी सर्विसेज भी हैं, लाहौर में डिफरेंट लाइब्रेरीज भी खुली लाइब्रेरीज है, और फिर वैसे भी बुक एक्सचेंज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बच्चों के साथ जाएं, किताबें खरीदें। हमना योर मैसेज, माय मैसेज इज कि मुझे ना आगे बात साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि व्हेन वी वर लाइक बच्चे थे हम, तो हमारे फादर हमें बैंक लेके जाया करते थे, वो डिपॉजिट स्लिप्स कराया करते थे। हमारी मदर हमें अपने साथ ग्रॉसरी स्टोर्स पे, तभी ग्रॉसरी स्टोर्स बहुत कम होते थे, सिर्फ अल्फता होता था एक, लेके जाया करती थी, वो लिस्ट हमसे बनवाया करती थी। तो बेसिकली ये लाइफ स्किल है। हमें बचपन से पॉकेट मनी की आदत बच्चों को डालें कि दिस इज योर मंथली बजट, आपने इसमें रहना है। तो ये जो लाइफ स्किल्स है ना, ये पेरेंट्स जरा छुट्टियों में अगर कर लें। मेरी रीडिंग की बहुत अच्छी आदत है, तो मैंने बचपन में अपनी मदर को देखा अपने साथ बैठकर, वो मैगजीन लेकर बैठती है, तो मैं आज तक बैठती हूँ। तो ये तरीका है कि आपने जो लाइफ स्किल्स दिखाना है, बच्चे लीड बाय एग्जांपल हैं। इट इज मैं विश एंड यू नो फजिया, मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आज आपने सीखी लेकिन हम करते भी हैं, हम रूटीन में सब चीज़ें यूज़ करते भी हैं, कनेक्ट रहते भी हैं, बट आई थिंक वी नीड टू डू मोर, उस पर मज़ीद काम करना चाहिए। तो ये आपने सीखा है आज, और आपने? मैंने भी सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनी हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, और जो कुछ हम अभी नहीं कर पा रहे थे तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे। तो बच्चों की अब सख्ती आने वाली है, शक्लें देखो वो ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या 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 करने लगे, क्या क्या देखा है आपने, क्या होने वाला है? मामा क्या करने लगी हैं छुट्टियों में, क्या करने लगी हैं छुट्टियों में? हम बस बस मामा हमने खेलना ही है, कुछ नहीं करना, नहीं पढ़ना भी है। मुझे बता रही थी ना स्विमिंग का किसको हाँ स्विमिंग का शौक है ना, स्विमिंग कौन करेगा? मुझे बहुत स्विमिंग पसंद है। और आपको? आर्ट्स पसंद है। मामा के साथ आर्ट्स पसंद है, आर्ट्स पसंद है, आर्ट्स पसंद है। और आपको? स्विमिंग। वाह, तो आई थिंक स्विमिंग एजेंडा जो है हमारा, स्विमिंग रही साहब लगता है आप जीत गए हैं, क्योंकि अब लगता है सारे आपके पास आने वाले हैं। और स्विमिंग का जो है शौक़ बच्चों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि स्विमिंग करनी है उन्होंने। तो आप भी अपना लास्ट मैसेज दें सारों के लिए, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है। मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं शाहिद जमान साहब, और जो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर आसिफ तुफैल साहब, उन्होंने ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर 5 से 17 साल के बच्चों के लिए ये समर कैंप अरेंज किए हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी इस प्रोग्राम की वसासत से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के जो समर कैंप लगे हैं उनमें लेके आएँ। 10 महीने वो पढ़ रहे होते हैं, 2 महीने उनको खुले दिल से खेलने दें। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में हमने 2002 में एक समर कैंप लगाया, उसमें एक बच्ची आई, उसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पे कि वो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन भी हुई, पंजाब चैम्पियन भी हुई, कई साल नेशनल चैम्पियन रही, कोरियन एम्बेसडर कप की चैंपियन हुई, इंटर कॉलेजिएट की चैंपियन हुई, एचसीसी की चैंपियन हुई। इसी स्पोर्ट्स बेस पे उसको कनेड कॉलेज में एडमिशन मिला, वहाँ से वो जीसी यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ से वो यूथ के टूर पे सेंट पॉल यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया गई, वहाँ पे जाके वो चैंपियन हुई। अच्छा, तो मेरा मतलब ये कहने का है, मैं क्योंकि स्पोर्ट्स मैन हूँ, वो एक बड़ा माकूला था ना, सारे यहाँ पे एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, कि बड़ा माकूला था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। आज वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, खेलोगे कूदोगे बन जाओगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे फिर भी बनोगे नवाब। वाह, ये दोनों कितना अच्छा तरीके से बताया, अच्छी तरमीम की है। हाँ, तरमीम बिल्कुल, ये अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। अमेंडमेंट सब हर चीज़ में हो रही है, तो व्हाई नॉट इसमें हो। तो व्यूअर्स, मुझे आज कहते ना कि प्रोग्राम करके भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने फैमिली से रिलेट कर रही थी कि मेरे कहाँ अंदर चीज़ों में या मेरी फैमिली में कहाँ कहाँ गैप्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों की डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। और समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेकर आए हैं। हम क्या लेकर आए हैं, हमने बताया है, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि समर कैंप बच्चों की डेवलपमेंट, मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर सकता है, और स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है। Reading, writing, comprehension, so it's like a part of life we've been doing since like a child. But sports से हम लोग आगे अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और जो हमारे पास जितनी मसले मसाइल हैं। आज बच्चों, आज साहब मेरे साथ आ जाओ, बैठो बैठो, क्या खड़े हो, हम बातें कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के ज़रिए जो हैं, जैसे किसी ने स्विमिंग करनी है, किसी ने टेनिस खेलना है, या किसी ने मार्शल आर्ट सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, विशु में जाना, वेट लिफ्टिंग करनी है, और क्या क्या करना है, कैंपिंग भी करनी है, कैंपिंग भी करनी है ना, स्विमिंग करनी है, क्रिकेट खेलना है, आर्टिस्ट भी बनना है। तो वो इन चीज़ों के बारे में जो जिन्हों को ज़्यादा नॉलेज चाहिए या ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो समर कैंप्स जो हैं वो एक बेहतरीन जो है वो प्लेटफॉर्म है, जहां आपके बच्चे जा सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वही एक रूटीन में आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी वो पूरा साल रूटीन में रहते हैं। तो आई वुड थैंक यू एवरी वन, अली अब्बास साहब, एजाज बुखारी साहब, थैंक यू सो मच मदर्स, थैंक यू सो मच रईस रहमान साहब, सीमी लालेका साहिबा, और हमना, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद आस, फॉर बींग द पार्ट ऑफ द शो। एंड इट वॉज सच अ नॉलेजेबल शो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे पता है आप लोगों ने भी सीखा होगा। तो व्यूअर्स, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक, मे बी नए टॉपिक पे, मे बी इस टॉपिक पे हम डिसाइड करेंगे। तो हमें देखते रहें, पसंद करते रहें, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमेशा से ही पसंद करें हमारा शो गुड मॉर्निंग धनक।